दीदी आप कौन? मैं कौन? मैं गधा। अरे वही गधा जिसको तुम धमकी दे रहे थे, जिसकी तुम तुड़ाई करने वाले थे। क्या हुआ है? बोलती ठो हो गई? नहीं। अरे मैं इस कॉलोनी का सेक्रेटरी चतुर्वेदी चिंतामणि। तुम मुझे धमकी दे रहे थे है? अब मैं देखता हूँ कि तुम तीनों को यहाँ कैसे रखा जाता है। ना ना। अरे चतुर्वेदी जी मेरी बात सुनिए। क्या है? ये आपको नहीं कह रहा था? अच्छा मतलब मुझे नहीं कहा? नहीं। तो भूत को कहा? सुनो, अरे सबसे पहले हम ही तो आए थे और जो कुछ भी इसने कहा वो सिर्फ मुझे कहा है। अरे चतुर्वेदी जी देखिए 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 मेरी बात सुनिए, इसकी शक्ल देखिए, कितना भोला है, कितना मासूम है ये, इसने कुछ नहीं किया। चतुर्वेदी जी आप तो महात्मा है, देवात्मा है, परमात्मा है, मैं तो कहता हूँ प्रेतात्मा है। क्या? नहीं नहीं नहीं, वो दरअसल ये डर गया ना इसलिए कुछ भी कह रहा है। अच्छा 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 अच्छा, वो क्या है ना कि तीर कमान से पास जुबान से निकल गई तो निकल गई, लेकिन अब मैं तुम तीनों को ऐसी नाचन चाहूंगा, ऐसी नाचन चाहूंगा कि तुम लोगों की ठो हो जाएगी, क्योंकि हमारा नाम है चतुर्वेदी चिंतामणि और उसकी खैर नहीं जिससे मेरी थनी एकदम ठो है। कहाँ है? चल बेटा प्रेम कसरत की जाए। नहीं नहीं यार, वो लड़की फिर से आ जाएगी छत पे मुझे घूरने। एक काम करता हूँ, यहीं पे जिम कर लेता हूँ। अमर शिल्पी, अरे वहाँ डॉली का कपड़ा किसने सुखाया? डॉली का कपड़ा नहीं, डॉली खुद सूख रही है। डॉली तू वहाँ कैसे पहुँची और क्या जरूरत था तुझे वहाँ बचाने की? अरे चुप, अरे पहले उसे बचाने की सोचो। अरे हाँ, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, अरे बचाओ मेरे, अरे बचाओ। अरे डॉली, मेरा प्रेम, मेरा हीरो आ गया मुझे बचाने, मेरा हीरो। अरे कोई ऊपर आके बचाओ, वो गिर जाएगी। अरे घबराओ नहीं गोगी, अरे हम यहाँ के सेक्रेटरी हैं, अरे हम कुछ ठोक करेंगे। अरे यार तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो, अरे जल्दी से लंबी सीढ़ी लाओ ना। अरे चतुर्वेदी साहब इतनी लंबी सीढ़ी कहाँ से मिलेगी, इसके लिए आपको फायर ब्रिगेड को फोन करना पड़ेगा। अरे कोई बचा लो इसको यार। अरे बचाओ, कोई तो बचाओ। ए यारो, यारो।
डॉली हाथ दो अपना, यार आ गया है। तू क्यों आया? पीछे पीछे। डॉली यार तुम्हें बचाने आया है। मुझे कोई और बचाएगा? कोई और? वो कौन है? वो। अब ये क्या बातें कर रहे हैं? ये कोई जगह है बातें करने की? बचाओ! अरे बनियान वाले बचाओ! अब पीछे हटना। पीछे क्यों हटूं? हेल्प करने आया हूँ। मैंने कहा ना मुझे वो बचाएगा, वो। अरे अब क्या करूं? ये पकड़ तो लेगा ना? मुझ पर एक एहसान करना, मुझ पर रोज ऐसे ही एहसान करना। ए! ये मंदिर का कोई प्रसाद है क्या? हाँ? अरे ये चतुर्वेदी की साली है, उतार को उसे नीचे। किसी को छुआ तो नहीं? देखा देखा ना भाइयों, हाँ देखा। अरे इनके बेटे यारों की वजह से भाई हमारी साली तो आटे हो जाती। अरे किस तरह की बात कर रहे हैं आप चतुर्वेदी साहब? नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। अरे यारों ने तो उसकी जान बचाने की कोशिश की है। बचाने की कोशिश नहीं की है, अरे गिराने की कोशिश की है। अरे एक बात बताइए कि इतने पतले तार पे ये कैसे चल सकता है? बताइए बताइए। तोते उड़ गए? उड़ गए ना चतुर्वेदी जी। भाभी जी देखिए हम आपसे कह कह के कह रहे हैं कि प्लीज छोड़ छोड़ के छोड़ दीजिए ना इस बात को। देखिए आपकी डॉली सही सलामत है ना? हाँ है ना। हाँ यार मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वो यारो इतनी पतली तार पे चल कैसे रहा था। हैं? क्यों प्रेम, बोल प्रेम। हाँ अमर बोल रहा हूँ। अमर यार उसे देख के ना मुझे टुल्लू टिल्लन की याद आ गई। टुल्लू टिल्लन? कौन टुल्लू टिल्लन? तुझे टुल्लू टिल्लन नहीं पता? तो बता दो, पता क्या था? टुल्लू टिल्लन ना मेरे गांव में था। मैं भी। टुल्लू टिल्लन ना पंजाब में मेरे गांव में रहता था। उसके अंदर ना भूत आ गया था। वो पतला सा दुबला सा टुल्लू टिल्लन ना 10-10 लोग को हरा देता था। 10? एक छलांग मारता था छत पे चढ़ जाता था। बहुत भयानक था यार। मतलब इस यारो के अंदर भी कोई आत्मा है? हाँ आत्मा जो कर सकती है हम तीनों का खात्मा। भाई अब मुझे समझ में आया कि अग्रवाल अंकल हम तीनों को साथ रहने के लिए घर क्यों दिया था। प्रेम वो देख भाई। कहा? अबे कहा नहीं वहां। वो तीनों? कौन तीनों? अबे हम तीनों भाई। और वो यारो वहां ड्रैकुला बन के झूला झूल रहा भाई। मुझे अभी नहीं मरना है, मुझे तो अभी अपनी आई को वर्ल्ड टूर करवाना है। अरे उससे पहले तुम स्वर्ग का टूर कर लोगी। इधर आओ, मेरे पास एक आइडिया है। भाई ऑनलाइन एक साइट है bhootia.com, उस पे भूत पकाने का पानी मिलता है। बस वो पानी हम किसी तरह यारों को पिला देना तो उसके अंदर का भूत भाग जाएगा। सबसे अच्छी बात बताइए क्या भाई, उस पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी है। सेल भी लगी है क्या? क्या ऐसा करते हैं फिर वो पानी ना फटाफट ऑर्डर कर देते हैं। हाँ भाई कर दे कर दे। हाँ फोन दे। मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। तू फोन दे। मेरा फोन चार्जिंग पे। तू तेरा फोन दे ना। मेरा फोन। अरे तू फोन दे ना। अरे भाई बैलेंस नहीं। भाई फोन दे। अरे बैलेंस नहीं। अरे यार दो रुपए पड़े हैं यार प्रेम। भूल के भी ये पानी मत पीना, तुम कमाल कर रहे हो तुम। क्या हुआ क्या हुआ? अरे क्या हुआ? पानी पीने वाला था ये। नहीं पापा यारो को पता है पानी नहीं पीना होता है। मैं तो सिर्फ देख रहा था कि पानी इतना गीला गीला क्यों होता है, पानी का कलर ऐसा क्यों होता है, पानी कैसा बनता है। अरे मैं बताऊंगा सब बताऊंगा। पानी गीला क्यों है, पानी बनता कैसे है? पहले तुम ये देखो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है।
क्या? ये तो घड़ी है प्रोफेसर साहब, घड़ी तो बन बन के बहुत सालों पहले बन गई। यारो के पास ऑलरेडी एक घड़ी है। आपने हमारे यारो के लिए घड़ी बनाई है? बीना जी, ये घड़ी नहीं है, ये ट्रैकर है। ट्रैकर? हाँ, ट्रैकर। इसका एक पार्ट मैं यारो में इंस्टॉल कर दूंगा, उसके बाद यारो कहाँ है, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, मुझे सब पता चलता रहेगा। अच्छा, कैसे? बताता हूँ। यारो अपना हाथ दो। अब यारो जहां भी होगा हमें पता चल जाएगा यारो कहां है। चलो छुपन छुपाई खेले। हाँ पापा, वैसे भी बहुत दिन हो गए छुपन छुपाई नहीं खेला। कुछ दिन पहले जब 6 साल का था तब खेला था। मुझे ये बात बोल दी बेटा, किसी और को मत बोलना कि तुम कुछ दिन पहले 6 साल के थे, वरना पुलिस तुम्हारे साथ साथ मुझे भी अंदर कर देगी। पुलिस? ओके पापा, अब छुपन छुपाई खेले। हाँ चलो खेलते। आप दोनों आँख बंद करके 1 to 10 गिनिए, यारो छुपेगा। ओके। 1, 2। पापा आँखें बंद। सॉरी। आप भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक मिनट। कहाँ रख दिया? गोगी, ओ गोगी, गोगी कहीं गई होगी ये मांगने। दूरबीन कहाँ रख दिया? हाँ मम्मी। हाँ प्रेम पुत्र, कहाँ है तू? मम्मी मैं ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा हूँ। हाय हाय पुत्र, मैंने ना अभी अभी सपना देखा कि तू ना पोछा लगा रहा है कहीं पे। नहीं नहीं मम्मी, मैं पोछा क्यों लगाऊंगा, वो तो मेरे घर पे ना एक अमर नाम का नौकर है, वो पोछा लगाता है। ठीक है पुत्र, तू ना अपने काम पे ध्यान दे, मुझे फिर कोई सपना आएगा ना तो मैं फिर से तुझे फोन करूंगी। है बाय पुत्र। हाँ ठीक है मम्मी, बाय। प्रेम क्या बोल रहा तू अपनी मम्मी को? बेटा नौकर हूँ बोल। तो तू अपनी मम्मी को बोल देना मैं तेरा नौकर हूँ, बात बराबर। मैं अपनी आई से कह दूंगी कि मेरे दो नौकर हैं, अमर और प्रेम। भाई घंटी बजी, खोल क्या? अमर मेरे दोस्त, तू जाके दरवाजा खोल। मैं बना रहा, तू देख नहीं रहा? तो मैं पोछा मार रहा हूँ, तुझे नहीं दिख रहा? तड़िक बम कब हो गए कम? भूतिया.com से आया हूँ, भूत भगाने का पानी लाया हूँ। ये लो 500 निकालो। प्रेम मेरे दोस्त, पैसे देने, पैसे देना। हमारे मेरे दोस्त, पैसे तू दे दे। ओ बेरोजगारो, इसके बिना 3 हिस्से होंगे, चलो निकालो।
अच्छा हुआ पानी आ गया। अब मैं ऑफिस जाती हूँ, शाम को जब वापस लौटेंगे ना तो यारो को किसी भी बहाने से यहाँ बुला के ये भूत भगाओ पानी पिला देंगे। अब इस यारो का भूत तो भाग के रहेगा। क्यों प्रेम, बोल प्रेम। हाँ अमर, बोल रहा हूँ अमर। बस हमें ये सोचना है कि ये पानी अब उसे पिलाएंगे कैसे, क्योंकि वो तो हमेशा यही बोलता रहता है, यारो ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, सच बोलता है। एक आइडिया है मेरे पास। अब यारो को हमसे कोई नहीं बता सकता। यारो तुम कब आए? तुमने कुछ सुना क्या? यारो ने सब कुछ सुना, A to Z। हम तो मजाक कर रहे थे। यारो भी मजाक कर रहा था, सच्ची, कभी झूठ नहीं बोलता, सच्ची मजाक कर रहा था। लेकिन यारो जानना चाहता है कि बात क्या है, क्योंकि यारो तुम तीनों का फ्रेंड बनना चाहता है, हमेशा हमेशा के लिए, फ्रेंड्स फॉर एवर। अब बताओ क्या बात थी। अरे हम यही तो बात कर रहे थे कि हम तुमसे दोस्ती कर लेंगे। क्यों प्रेम, बोल प्रेम। हाँ अमर, बोल रहा हूँ मैं। हम यही बात कर रहे थे। हम लोग कह रहे थे कि आज शाम को तुमसे दोस्ती करेंगे। हाँ लेकिन शाम को क्यों, अभी क्यों नहीं? वो पानी अभी आया ना तो कुछ सोचा नहीं। नहाने के पानी की बात कर रही है। उसको ऑफिस जाना है ना, वो लेट हो रही है, उसको वो सोच रहा है कि नहाऊं कि नहीं नहाऊं, नहाऊं कि नहीं नहाऊं, अभी नहाऊं कि बाद में नहाऊं। हां तू अभी तो यहां खड़ी है, ऑफिस जाने में देर है तुझे, जा। जब तू वापस आओगी तब हम दोस्ती करेंगे, है ना यारो? तो ठीक है यारो, शाम को आएगा फ्रेंडशिप करने, उसको एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन फ्रेंड्स मिलेंगे, फ्रेंड्स फॉर एवर। यस मजा आया? हाँ। एनर्जी मिली? नहीं। सेल्फी? हाँ, नहीं। हाँ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।